हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुराम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं धीरज गुरा, लेक्चरर EFM, आपके सामने आज कैपिटल बस्टिंग की थर्ड वीडियो लेने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे DCF मेथड, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। किस तरीके से हम डिस्काउंटिंग कैश फ्लो के थ्रू कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हैं, देखिएगा। DCF मेथड, इसका फुल फॉर्म है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। हिंदी में इसको बोले तो अपलिखित नगद प्रवाह विधि, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, या इसको मॉडर्न विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न विधि, मॉडर्न मेथड, आधुनिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि को ज्ञात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डिस्काउंटेड का मतलब क्या है। यहाँ पर डिस्काउंटेड का मतलब है बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू से, PV से, प्रेजेंट वैल्यू। किसी भी मशीन को परचेज़ करते वक्त उसकी प्रेजेंट वैल्यू को या प्रेजेंट वैल्यू को निकालते वक्त जिस भी मेथड से, मतलब डिस्काउंटिंग मेथड से, प्रेजेंट वैल्यू मेथड से अगर हम कैश फ्लो की कैलकुलेशन कर रहे हैं, देन ऐसे मेथड को हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताऊँगा कि कैसे कैश फ्लो कम्प्यूट की जाती है, कैसे डिस्काउंटिंग कैश फ्लो कम्प्यूट की होती है। उसके लिए हमें एक PV फैक्टर चाहिए होता है, और PV फैक्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, कैश फ्लो की कैलकुलेशन करेंगे। इस केस में आपको ये चेक करना है कि अगर PV ऑफ कैश इनफ्लो, डिस्काउंटेड PV ऑफ कैश इनफ्लो इज़ ग्रेटर देन डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। अगर आपका कैश इनफ्लो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो ऐसे ऑफर को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये डिसीज़न लेना पड़ेगा हमें, अगर हमारा आउटफ्लो कम है इनफ्लो ज़्यादा है, मतलब हमारे पैसे तो कम गए हैं लेकिन आय बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे केस में हम ऐसे मशीन के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकंड आता है कि अगर डिस्काउंटेड PV ऑफ कैश इनफ्लो कम है और डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो ज़्यादा है, देन इस केस में ऑफ़र शुड बी रिजेक्टेड। रिजेक्ट कर देंगे ऑफर में, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है, इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, जा बहुत जा रहा है पैसा, आउटफ्लो बहुत होता है, इनफ्लो कम हो रहा है। थर्ड आ रहा है कि डिस्काउंटेड PV ऑफ कैश इनफ्लो अगर डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो की इक्वल हो, देन इस केस में ऑफ़र की कंडीशन के बेस पर हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, आइदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट, वो डिपेंड करेगा। अगर स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर हमें ज़्यादा है, पे बैक पीरियड भी चेक करते हैं, अलग अलग मेथड्स के थ्रू हम उसका एनालिसिस करेंगे, तो इट डिपेंड ऑन द डिसीजन कि हम किस बेस पर हम डिसीजन लेते हैं। हाँ, चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्सेप्ट के, फिर भी डिसीजन के बेस पर देखते हैं कि ये डिसीजन क्या कहते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम ये चेक करेंगे कि PV ऑफ कैश इनफ्लो डिस्काउंटेड कैसे निकलेगा और डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो कैसे कंप्यूट होगा। ठीक है, देखिए आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे PV फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, PV फैक्टर का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है 1/1 + r^n। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब हम किसी भी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू रुपीज़ की निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास तीन चीज़ें होनी जो ज़रूरी है, एक तो r, एक n, ये दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। r यहाँ पर क्या है, रेट, और n क्या है, नंबर ऑफ ईयर। अब हम बात करते हैं कि हम सपोज 10% के PV फैक्टर निकालना चाहते हैं 5 साल के, ये हमारा R है, ये हमारा T है, या N बोल दो जिसको आप। तो इसके निकालने के लिए हम सबसे पहले आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कैलकुलेटर में,
इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा 1/1 r, r यहाँ पर है 10%, तो 10% को अपने ऐसे लिख सकते हैं, इधर देखिए 1/1 r को हम लिख सकते हैं, r 10% है तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, 10/100 को मैं लिख सकता हूँ 0.10, उसकी पावर है n, n का मतलब हो गया 5, तो मेरे को ये चीज़ सारी कंप्यूट करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ मेरे को कैलकुलेटर पर लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखना 1, ये 1 डिवाइड बाई, ये डिवाइड का साइन आ गया, 1+0.10, तो 1+0.10 हो गया 1.10, इसकी पावर है 5, तो मल्टीप्लाई ये कर दो, ये आ गया फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर 0.909, फिर इक्वल टू का साइन 0.826, फिर इक्वल टू का साइन 0.751, ये तीसरे साल का, ये दूसरे साल का, ये पहले साल का, इसी तरीके से बराबर का बटन दबाकर आप अगले सालों के पीवी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो मैंने 5 सालों के पीवी फैक्टर निकाल दिए। इसी के साथ मैं 12% का पीवी फैक्टर निकाल रहा हूँ। 12% का पीवी फैक्टर कैसे निकालूंगा, वही सेम 10 की जगह 12 आ जाएगा, तो 1, ये 1 आ गया, डिवाइड बाय, ये डिवाइड बाय 1.10, तो यहाँ पर 1.12 आ जाएगा, क्योंकि 12 नहीं, इस बार 12 है रेट, इनटू ये पहले साल का आ गया 0.892, पहले साल का, दूसरे साल का निकालूंगा तो इक्वल 0.797, दूसरे साल का, तीसरे साल का 0.711, चौथे साल का 0.635, पाँचवें साल का 0.567, इस तरीके से हम पीवी फैक्टर निकाल सकते हैं। एक 5% का पीवी फैक्टर और निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर अपनों को क्या यूज़ करना है, 0.05 यूज़ करना है, क्योंकि 5/100 करेंगे तो 5/100 करेंगे तो हमारे पास 2 जीरो बाद पॉइंट आएगा, तो 1 जीरो हमें लगानी पड़ेगी, 0.05 यूज़ करेंगे, करके देखें 1/1.05, इसकी पावर 1.952, पहले साल का, दूसरे साल का 0.907, तीसरे साल का 0.863, चौथे साल का 0.822, पाँचवें साल का 0.783, इस तरीके से कितने भी सालों के पीवी फैक्टर निकाल सकते हो। ये पीवी फैक्टर बताता क्या है, ये पीवी फैक्टर बताता है कि 1 रुपये की वैल्यू पहले साल में कितनी, दूसरे साल में कितनी, तीसरे साल में कितनी, चौथे साल में कितनी, और 5 साल में ये 78 पैसे हो जाती है, ये पीवी फैक्टर है। ठीक है, आप कैलकुलेटर कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और बढ़िया कैलकुलेटर लोगे तो उसके अंदर आपको खराबी कम आएगी। ठीक है, हाँ, पीवी फैक्टर आप किसी भी कैलकुलेटर से निकालो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, कैलकुलेटर खरीदते वक्त ये ध्यान रखना कि GT का बटन होना चाहिए, क्योंकि आगे वाले अपने जो भी चैप्टर्स आएंगे उसमें GT का बटन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, M+GT, ये बोर्ड बटन काम आएंगे आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, थैंक यू। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कंपनी का 10 लाख रुपये, ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट थर्ड ईयर में कर रहे हैं वो 1 लाख रुपये का, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब पैसा और लगा रहे हैं। फिर एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 50,000 रुपये, ये T0 पर रिक्वायरमेंट हो रही है, मशीन को 50,000 रुपये की और आवश्यकता हो गई है, और फर्स्ट साल में कंपनी 2 लाख, सेकंड साल में 2.5 लाख, थर्ड साल में 3.5 लाख, चौथे साल में 2.20, पाँचवें साल 1.80 और छठे साल 1,50,000 रुपये का कैश इनफ्लो आपको गिवन है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये दे रखा है कि ये जो वर्किंग कैपिटल है वो रिलाइज होगी सिक्स्थ ईयर में रहा, जो पीवी फैक्टर आपको दे रखा है 10%। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, देखिए टेबल के थ्रू हम करके बताते हैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ईयर दे रखे हैं, तो आप अपना सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ईयर लिखेंगे, ईयर आपको दे रखे 5-6 साल दे रखे हैं, तो 0 से स्टार्ट कर देंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, मैंने 6 साल की ईयर दे रखे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरे को देखे हैं 10 लाख का, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख। अब देखो, अब आपको लिखना है सबसे पहले कैश आउटफ्लो, फिर आएगा कैश इनफ्लो, फिर पीवी फैक्टर आएंगे 10% के, फिर कैश इनफ्लो,
और फिर आएगा सॉरी कैश आउटफ्लो और फिर आएगा इनफ्लो। यहाँ पर मैंने दो बार कैश इनफ्लो और दो बार कैश आउटफ्लो लिखा है। यहाँ पर इसका रीज़न क्या है? ये तो आ गए डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, ये भी डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। पीवी फैक्टर में 10% दे रखा है, पर मैं यहाँ कहता हूँ पीवी एट द रेट 10%। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें आउटफ्लो और इनफ्लो को सेपरेट करना है। एक बार मैं कॉलम वापस रिपीट कर रहा हूँ, ईयर कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो, कितनी कैश जा रही है कितनी कैश आ रही है, फिर पीवी फैक्टर जितने रेट के बोले हुए हैं, आउटफ्लो इनफ्लो। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो आउटफ्लो कितना हो रहा है। आपका स्टार्टिंग में 10 लाख रुपये की मशीनरी परचेज़ की है, तो ये आपका आउटफ्लो है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख। लेकिन आपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी तो है T0, मतलब स्टार्टिंग में ही, टी का मतलब है वर्ष, तो पहले ही साल से पहले मतलब वर्ष के प्रारंभ में 50,000 रुपये तो ये जाएंगे और ये 10 लाख है। ये क्यों? क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो 10,50,000 रुपये का कैश आउटफ्लो होएगा, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है तीसरे साल में 1 लाख का, तो तीसरे साल में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट और हो रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कैश आउटफ्लो नहीं है जो जा रहा है। अब आने वाले देखें तो आने वाले में ये तो है इनफ्लो, इसके अलावा एक इनफ्लो होगा ये वाला, जो हम 50,000 रुपये लगा रहे हैं वर्किंग कैपिटल के स्टार्टिंग में, वो हमें 6th ईयर में मिल जाएंगे, मतलब लास्ट वाले साल में। तो सबसे पहले पहले साल मिलेंगे 2 लाख, दूसरे साल मिलेंगे हमें 2.5 लाख, जो मिल रहे हैं वो हम कैश इनफ्लो के कॉलम लिख रहे हैं। तीसरे साल सॉरी पहले साल तो यहाँ आएगा ना 2 लाख, फिर 2.5 लाख दूसरे साल, क्योंकि ये वाला तो डैश है। तीसरे साल 3.5 लाख, फिर चौथे साल मिलेगा हमें 2,20,000, पाँचवें साल मिलेगा 1,80,000 और 6th ईयर में मिलेगा 1.5 लाख। लेकिन 1.5 लाख के साथ साथ हमें ये 50,000 भी मिलेंगे, तो हम 1.5 लाख और 50,000 को जोड़ के दिखा देते हैं 2 लाख, क्योंकि ये भी वर्किंग कैपिटल हमारी 6th ईयर में रियलाइज़ होगी। अब आपको पीवी फैक्टर निकालने हैं 10% के, तो मैं आपको कैलकुलेटर से पीवी फैक्टर निकालने सिखा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, तो जो भी मेरे पास पीवी फैक्टर आए हैं, मैं उस पीवी फैक्टर को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मैं पीवी फैक्टर लिख देता हूँ, ये मैंने पीवी फैक्टर यहाँ पर लिख दिए हैं। ये मेरे 10% पर हर एक साल के पीवी फैक्टर हैं, कि कोई रुपए मेरे पास 1 रुपए है तो एक वर्ष बाद वो 90 पैसे बन जाएंगे, फिर 82 पैसे, फिर 75 पैसे, फिर 68 पैसे, फिर 62 पैसे और फिर 56 पैसे। धीरे 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 पैसों की वैल्यू डाउन होती जाती है, वो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या करना है, हर पीवी फैक्टर को आउटफ्लो और इनफ्लो से मल्टीप्लाई करके उनकी कॉलम में लिखना है। ये तो हमारी आउटफ्लो थी, लेकिन आउटफ्लो का अगर पीवी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सपोज 10,50,000 का 1 रुपये की पीवी फैक्टर पे करेंगे, क्योंकि 0 साल है, 0 साल है, तो हमारे पास जो आउटफ्लो आएगा डिस्काउंटेड वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आएगी। इन सब का मल्टीप्लाई इनके साथ करना है, पीवी फैक्टर के साथ। फिर दूसरे साल कुछ भी नहीं है तो डैश, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तीसरे साल भी नहीं है, चौथे साल 1 लाख का अगर हम 0.751 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 75,100, ठीक है जी। इसके बाद डैश, फिर डैश, फिर डैश, ये हमारे आ गए आउटफ्लो। अब हम इनफ्लो का पीवी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंटेड इनफ्लो आ जाएगी। सपोज़ पहले साल कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा डैश, दूसरे साल है 2 लाख, 2 लाख का 0.909 के साथ करेंगे तो आएगा 1,80,1,800, 1,81,800। फिर 2,50,000 का हम 0.826 के साथ करेंगे तो 2,06,500 आएगा। फिर 3,50,000 का 0.751 के साथ करेंगे तो 2,62,850। हालांकि कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से आप कर सकते हो। फिर 2,20 का 0.683 के साथ करेंगे तो ये आएगा लगभग 1,50,860, ठीक है।
इसके बाद 180,000 को 621 से करेंगे तो ये आएगा 111,780। और लास्ट 200,000 को जब हम 0.56 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 169,200। ये हमारा आ जाएगा इनफ्लो। और जब हम इनफ्लो और आउटफ्लो का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कैश डिस्काउंटेड इनफ्लो और कैश डिस्काउंटेड आउटफ्लो। तो ये आएगा 11,25,100। और इसका टोटल कर लेना आप कैलकुलेटर से 10,82,310। ये हमारा कैश इन आउटफ्लो और कैश इनफ्लो। अब हमें लेना है डिसीज़न। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में लिया था, डिसीज़न लेने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो और डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। या यहाँ पर आप इनफ्लो कर दो, यहाँ आउटफ्लो कर दो, आउटफ्लो। तो हमारा इनफ्लो कितना है स्टूडेंट्स, इनफ्लो है 10,82,310 और आउटफ्लो है 11,25,100। तो आप देख सकते हो कि हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है। तो ऐसे ऑफर को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट किया जाएगा। क्या जाएगा, रिजेक्ट। तो कंपनी ऐसे ऑफर को स्वीकार ना करे, क्योंकि अगर स्वीकार करेगी तो लगभग लगभग उसको कितने का घाटा होगा और बता देना। ₹42,790 का घाटा होगा कंपनी को अगर ये ऑफ़र एक्सेप्ट करती है। तो इस तरीके के से हम DCF मेथड से डिसीज़न ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मशीनरी परचेज़ करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, इसी का एक और ले लेते हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 5,00,000, लाइफ ऑफ मशीन आपको दे गिवन है 5 ईयर, आपको इनफ्लो दे रखे हैं अलग अलग कैश इनफ्लो। सबसे पहले ईयर 1 का दे रखा है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। पहले साल का मान ली ये अपने इनफ्लो, ये इनफ्लो है पहले साल का 1,20,000, दूसरे साल का है 1,80,000, तीसरे साल का है 1,30,000, चौथे साल का 1,00,000 और पाँच साल का 3,00,000। अब इस केस के अंदर अगर हमें कुछ भी एक ही वर्ष के अंदर बोला हुआ है कि आउटफ्लो हुई है, जबकि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें आउटफ्लो 2 बार हो रही थी, एक तो पहले साल में, एक तीसरे साल में। पहले साल के अंदर हमने 50,000 रुपये लगाए थे, तीसरे साल के अंदर हमने अलग लगाया था पैसा, तो वो आउटफ्लो अलग अलग थी तो हमने आउटफ्लो का कोलम भी बनाया था। इस केस में आउटफ्लो एक ही है, कौन सी, मशीन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,00,000, तो हम एक बार ही लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पीवी फैक्टर लगाएंगे। मान लो कि पीवी फैक्टर आपको गिवन है एट द रेट 12%, आपको DCF मेथड से कैलकुलेशन करनी है, डिसीजन लेना है, डिसीजन बाय DCF मेथड। देन इस केस के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें PVF फैक्टर निकालने पड़ जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% पे। तो 12% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालें तो हमारे पास 12% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएंगे। ये मैंने 12% के PV फैक्टर लिखे हैं, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567। आपको 3 डिजिट के PV फैक्टर लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट के अंदर आ जाएगा 107,160 रुपये। ये आपका PV कैश इनफ्लो है, PV कैश इनफ्लो। फिर दूसरे के अंदर हम निकालेंगे 180,000 इंटू 797 तो आएगा 1,43,460। तीसरे का करोगे तो ये आएगा आपका 92,500। आप मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेटर में, आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। फिर आएगा इसका 63,600, क्योंकि इसका तो सिंपल ही है, 1,00,000 इंटू 0.636। फिर उसके बाद 170,100। ये सारा हमने पीवी फैक्टर निकाल लिया। कैसे इनफ्लो कैसे निकाला है, इनफ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इनफ्लो आती है। उसके बाद जब इसका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 5,76,880, ये आएगी इनफ्लो। अब देखिए इस केस में हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही बार था, अगर एक ही बार हो तो आपको कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप डिसीज़न कैसे लोगे, तो आउटफ्लो
और इनफ्लो को कंपेयर करोगे तो पी वी ऑफ कैश अनफ्लो, पी वी ऑफ कैश इनफ्लो, आउटफ्लो आपका आ रहा है 5 लाख और इनफ्लो आपका आ रहा है 5,76,880। तो इनफ्लो ज़्यादा है तो ऐसे ऑफ़र को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे ऑफ़र को हम एक्सेप्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सेप्ट, क्योंकि हमारा इनफ्लो ज़्यादा है, दिस ऑफ़र शुड बी एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ हमने क्लास की है पीवी फैक्टर की। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या आता है, चलिए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो आप। ठीक है, इसी मेथड के अंदर हमें बोला होता कि आपको यही क्वेश्चन नेट प्रेजेंट मेथड से करना है। किससे करना है स्टूडेंट्स? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से करना है, NPV मेथड से, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। इसका फॉर्मूला सेम यही है, बस फ़र्क क्या है, इसमें वो डिफरेंस निकालते हैं कि कितनी नेट इनकम हुई है। तो फॉर्मूला क्या है, NPV इज इक्वल टू PV ऑफ कैश इनफ्लो माइनस PV ऑफ कैश आउटफ्लो। तो PV ऑफ कैश इनफ्लो आपने निकाला है क्वेश्चन में 5,76,880 माइनस आउटफ्लो आपको दे रखा है 5 लाख। तो इस केस में आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 76,880, 76,880 ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, आपका प्लस में है बैलेंस। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिस्काउंटेड मेथड से हम डिसीज़न ले सकते हैं कि किस तरीके से मशीन को परचेज़ किया जाता है और सेल किया जाता है, और इस तरीके से हम बिज़नेस के अंदर डिसीज़न ले सकते हैं कि वो मशीनरी परचेज़ की जानी चाहिए अथवा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने ये सीखा है। कल की क्लास के अंदर हम इंडेक्स नंबर सीखेंगे कि आपका PV ऑफ इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, और बहुत सारे मेथड एक और आएंगे, IRR मेथड आएगा, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, इसी तरह जुड़ी रहिए। आपकी BCom की क्लासेस इस दौरान ऐसे ही लगेगी, जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी गवर्नमेंट की वैसे ही हम क्लासेस को ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू।